छतरपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में इन दिनों रबी की फसलों की बुवाई का दौर चल रहा है, लेकिन किसानों को खाद न मिल पाने के कारण किसान परेशान हैं। हालांकि यूरिया और डीएपी की किल्लत झेल रहे किसानों को विभाग ने जल्द राहत देने की बात तो कही है, लेकिन किसान इस आश्वासन से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ किसानों ने अधिकारियों पर खाद ब्लैक कराने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला मुख्यालय के पन्ना रोड पर स्थित वेयर हाउस में रोज किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, लेकिन किसानों को जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल पा रहा है। ग्राम कदारी निवासी किसान सरजू कुशवाहा ने बताया कि वह खाद के लिए पिछले 8 दिनों से लगातार वेयर हाउस पर आ रहा है, लेकिन अभी तक उसे खाद नहीं मिल सकी है। सरजू के मुताबिक वह रोज आकर अपना नंबर लगाता है और इसके बाद अपनी बारी का इंतजार करता है, बावजूद इसके उसे खाद नहीं मिल पा रहा है। खाद न मिलने के कारण सरजू अपने खेतों की बुवाई नहीं कर पा रहा है। खाद की तो बहुत ही अति से ज्यादा जरूरी है। अभी बोनी होना है, अभी नहीं मिलेगा खाद तो फिर कैसे बुवाई होगी? और बिना खाद की बुवाई हो जाएगी क्या? और बिना खाद के बोदोगे तो किसान क्या पचा लेगा उसमें से फसल? हम तो 8 दिन से आ रहे, बराबर डेली कागज जमा कर देते हैं और दिन भर बैठे रहते हैं और फिर भी खाद नहीं मिलता है। अवधकारी कर्मचारी बोलते हैं कि मिल जाएगा, अब देते हैं नहीं है, सुबह से शाम हो जाती है बैठे बैठे। इसी तरह ग्राम हवा के किसान दमरू कुशवाहा ने बताया कि बुवाई के लिए उसे 2 बोरी यूरिया और 2 बोरी डीएपी की आवश्यकता है। पिछले 3 दिनों से वह खाद के लिए वेयर हाउस पर आ रहा है, लेकिन उसे भी खाद नहीं मिल पा रही है। अधिकारी कर्मचारियों पर खाद ब्लैक करने के गंभीर आरोप भी ग्रामीणों द्वारा लगाए जा रहे हैं। 2 बोरी यूरिया चाहिए, 2 डीएपी नहीं मिल पा रहा है। लास्ट खेत है, उड़ाड़ू है, 4-5 दिन से फैल रहा है। यहाँ आते हैं तो क्या बोलते हैं लोग? कह रहे पैची ले आओ, बंदी ले आओ। बंदी हमने कहा जो बंदी हमारे पास है तो बंदी ले लो, आधार कार्ड ले लो। ग्राम गंगायच के किसान परशुराम कुशवाहा ने बताया कि किसानों को जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल रही है। परशुराम ने यह भी आरोप लगाया है कि वेयर हाउस के अधिकारी कर्मचारी मिली भगत कर ग्रामीण अंचलों के व्यापारियों को खाद बेच रहे हैं और इसके बाद वही व्यापारी गाँव में मन मुताबिक दामों पर खाद का विक्रय कर रहे हैं। परशुराम ने कहा कि उसके गांव के व्यापारी सी गोदाम से 266 रुपए में खाद की बोरियां खरीद कर ले जा रहे हैं और गांव में किसानों को 400 रुपए तक के दामों में बेच रहे हैं। परशुराम ने बताया कि सरकार घोषणा करती है कि किसान को उचित मूल्य पर खाद मिलेगा, परंतु यहां उचित मूल्य पर मिलना तो दूर, किसानों को लंबे इंतजार करने के बावजूद भी खाद नहीं मिल पा रहा है। खाद आपसे बताइए किसानों के लिए जरूरत पे नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है। क्या है, ब्लैक हो रहा है, ये ट्रक लद रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, कोई बताता भी नहीं। अब जिस समय जैसे डीएपी तो अभी नहीं है ज़रूरत, आप ये है अपना यूरिया, यूरिया से इतने परेशान है लोग कि हद से बाहर। इसी के साथ ही छतरपुर वेयर हाउस प्रभारी नीलम राय का कहना है कि वे लगातार किसानों को खाद देने का काम कर रहे हैं। खाद की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने डीएपी और यूरिया की डिमांड लगाई है। जैसे ही खाद वेयर हाउस में आएगी, वैसे ही किसानों को जरूरत के मुताबिक खाद दी जाएगी।